नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट भी तालुक में। मैं रवि तिवारी। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगभग अगर हम लोग देखें तो 50 से 55 दिनों का समय आज से बचा हुआ है इस परीक्षा में। 22 मार्च को परीक्षा की तिथि निश्चित की गई है। 13 वर्ष बाद एक सुनहरा अवसर आप सबको मिला है इस परीक्षा को देने का, तो इस अवसर को ऐसे ही न गवाया जाए। संस्थान की तरफ से लगातार इस परीक्षा के विषय में सूचनाएं प्रेषित की जाती रही हैं। ऐसा नहीं होता कि जितने अभ्यर्थी किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं वो सभी चयनित हो जाते हैं, या जितने अभ्यर्थी कहीं कोचिंग करते हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो सभी चयनित हो जाते हैं। बहुत कम पद होते हैं और उसी के सापेक्ष चयन आपका किया जाता है। बचे हुए 50 दिनों के लिए आपकी एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इन 50 दिनों का आपको उपयोग कैसे करना है, इन 50 दिनों में कौन सी किताबें और कौन से नोट्स पढ़ने हैं और उनको कैसे पढ़ना है, इन सब बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, ताकि जो लोग ना तो कहीं एडमिशन लिए हैं, वो अपने घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए इन्हीं सब बातों पर एक महत्वपूर्ण एक ऐसी 10-15 मिनट की चर्चा करते हैं कि जो परीक्षा के नजदीक आपको ला सके, सफलता के नजदीक आपको ला सके और आपकी एक दिशा निश्चित कर सके कि शेष 50 दिनों के एक एक मिनट का उपयोग आपको कैसे करना है। किसी भी परीक्षा को जब हम देने जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस परीक्षा की प्रकृति क्या है, अर्थात विषयवार जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों की संख्या के बारे में एक आपको पूरी सटीक जानकारी होनी चाहिए। आइए मैं आपको ये बताता हूं कि लगभग लगभग किस भाग से कितने प्रश्न आने हैं और किस भाग को आपको किस माध्यम से पढ़ना है कि चीजें आपकी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 120 है और 120 मिनट में आपको ये प्रश्न हल करने हैं, अर्थात 120 प्रश्न को हल करने के लिए कमीशन ने जो आपका समय दिया है वो 120 मिनट दिया है। यह परीक्षा यहां पर ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है कि इन 120 मिनट में आपको लगभग 35 से 40 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के भी हल करने हैं, जो थोड़े से आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आपने किस तरीके से मैथ और रीजनिंग की तैयारी की है। इन 40 मिनट को सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि ये 40 प्रश्न जो हैं वो लगभग लगभग 30 मिनट में आपके पूरे हो जाए। अगर ये 30 मिनट में 40 प्रश्न आप मैथ रीजनिंग के कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो प्रैक्टिस भी इस तरीके से होनी चाहिए कि ये जो 40 प्रश्न है वो अभी से आप जब मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि ये प्रश्न आप 30 मिनट के अमाउंट में हल करें। बाकी अगर हम विषयवार बात करें सामान्य अध्ययन की, तो इतिहास से 12 प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे, भूगोल से भी आपको लगभग लगभग 12 प्लस प्रश्न मिलेंगे। विगत वर्षों के पेपर देखते हुए मैं कह सकता हूं कि विज्ञान से 15 प्रश्न आपको मिलने चाहिए। अर्थव्यवस्था से करंट को जोड़ते हुए 8 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें देखिए सामान्य अध्ययन में अर्थव्यवस्था एकमात्र ऐसा भाग है जहां से कमीशन के प्रश्नों की संख्या सबसे कम रहती है, और यहां से 5 से 8 प्रश्न ही आपको मिलते हैं जिसमें बजट और करंट का समावेशन होता है। संविधान से या राज्य व्यवस्था से हम कहें तो 10 प्रश्न आपको लगभग यहां मिलेंगे। यहां पर करंट अफेयर्स की बात करें तो 15 से ज्यादा प्रश्न आपको यहां पर मिलना तय है, लगातार आपको मिलते भी रहे हैं। अभी पीसीएस की जब परीक्षा हुई तो उत्तर प्रदेश विशेष से वहां पर प्रश्न ही नहीं था, लेकिन हमें मान के चले कि पिछली परीक्षाओं के हिसाब से लगभग 3 प्रश्न आपको यहां से मिल सकते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न लगातार 1-2 पूछे जाते हैं, बाइनरी से पूछे जाते हैं या जो बुनियादी जानकारी है उससे पूछे जाते हैं, तो 2 प्रश्न आपके कंप्यूटर से यहां समझ लीजिए। गणित और रीजनिंग के अलग अलग कितने प्रश्न होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 35 प्रश्न का अमाउंट गणित और रीजनिंग का आपका होगा। इसके अलावा जनसंख्या, नगरीकरण और कृषि से भी आपको 3 के लगभग प्रश्न मिल सकते हैं। अगर मैं कुल प्रश्नों को जोड़ूं तो ये 116 प्रश्न का अमाउंट आपका लगभग लगभग बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों लगाया हुआ है, तो कहीं कहीं प्रश्नों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कहीं कहीं प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है। विषयवार अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब से आपको अब तैयारी करनी है, और आपका जो प्रैक्टिस सॉल्यूशन होगा या जो प्रैक्टिस सेट होगा, आज से ही आपको बैठना है कि 2 घंटे में लगभग लगभग आप 120 प्रश्न से 105 प्रश्न, 107 प्रश्न तक पहुंचना शुरू करें। पहले ही दिन जब इन प्रश्नों को आप हल करना शुरू करेंगे तो ऐसा हताश नहीं होना है। पहले दिन मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि 70-75 प्रश्न हो, दूसरे दिन 80 प्रश्न हो, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप यहां से लीजिए, मार्केट से लीजिए,
और लगातार कोशिश करिए। मैं वादा करता हूं कि जब आप 15वें और 20वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से 85 से बढ़कर प्रश्नों की संख्या 105 और 107 तक आपकी पहुंच जाएगी। हमारी किसी भी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री होती है वो होती है उस परीक्षा के जो टूल्स होते हैं, क्लियर। अब उस परीक्षा के टूल्स को जब हमें देखना है तो देखिए क्या टूल्स हमारे परीक्षा के हिसाब से होने चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। दिन शेष 50 है। आपकी परीक्षा की प्रकृति के हिसाब से देखें तो आप देखते हैं कि कमीशन लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा कराता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले लोअर पीसीएस की परीक्षा कराता था, इस बार तो अधीनस्थ आयोग ने कराई, और सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी की परीक्षा कराता है। आपका लेवल पीसीएस से थोड़ा सा नीचे रहेगा, मतलब आपको उन्हीं प्रश्नों की प्रकृति को देखना है जो आपके सहायक समीक्षाधिकारी, समीक्षाधिकारी और लोअर पीसीएस में आपसे पूछे गए हैं। यदि हम देखें कि हम किन नोट्स को फॉलो करें या हम कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह तय करना है कि किस भाग से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कहां से किस प्रकृति के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जो प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है और किस हिस्से से प्रश्न बन रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जो मददगार आपके लिए साबित होगा वो होगा घटना चक्र का पूर्वावलोकन। देखिए 8 श्रृंखला में पूर्वावलोकन आता है, 8 सीरीज आती है इसकी, जिसमें पिछले 16 वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, टॉपिक वाइज उनके प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं। सबसे पहले आप इन 8 श्रृंखलाओं को खरीद के शेष बचे हुए 50 दिन में उन सभी प्रश्नों को विषयवार हल कर डालिए, श्रृंखलावार हल कर लीजिए और टॉपिक वाइज हल कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि किसी टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से यह देखा गया है कि लोअर पीसीएस समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी में अगर हम विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करते हैं तो 25 से 30 प्रश्न हमें रिपीटेड रूप में मिल जाते हैं, हमें बारंबारता के रूप में मिल जाते हैं, या जो प्रश्न हम करते हैं वही प्रश्न मिल जाते हैं। यदि आप एक टॉपिक से सभी प्रश्नों को कर लेते हैं जो पिछली परीक्षा में आए होते, तो आपके मन में वह एक एनालिटिकल अप्रोच आता है कि कोई प्रश्न जब आता है तो आप उसके विषय में सोच सकते हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप भूगोल, इतिहास, विज्ञान, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए अलग अलग बहुत सारी किताबें पढ़ सके, क्योंकि ये समय निकल गया, क्योंकि परीक्षा में 50 दिन शेष है और आपके लिए मिनट मिनट कीमती है। अगर आप घर पे बैठे हैं और केवल आप ये सोच रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, हम कल से तैयारी कर लेंगे, हम परसों से तैयारी कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं अफसर बार बार नहीं आते हैं, 13 वर्ष बाद ही अफसर आया है। हो सकता है अगली बार जब ये अफसर आए तब तक आप इस परीक्षा के लिए ओवर एज हो सके। ये मौका आपको मिला है, आपने बीएड किया है, आपको अध्यापकों के साहब बनने का मौका मिला है, आपने बीएड किया था अध्यापक बनने के लिए, लेकिन ये मौका है और परीक्षा की प्रकृति के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि करने लायक जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो होता है दृढ़ संकल्प और विश्वास। विश्वास ही आपको आधा लक्ष्य प्राप्त करा देता है। अगर दृढ़ निश्चय आपने किया है तो मैं वादा करता हूं कि आप आधे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो दृढ़ निश्चय तो आपको ही करना होगा। अगर हम मजबूत और नेक इरादों के साथ किसी लक्ष्य को बनाते हैं तो सारी सकारात्मक ऊर्जा हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक होने लगती है। हम बिना लक्ष्य के केवल सोचते रहे तो हम परीक्षा को पास नहीं कर सकते। देखिए इन किताबों में, बहुत सारी किताबों को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना समय है, एक टीएमएस पब्लिकेशन की किताब आती है सामान्य अध्ययन मंजूषा, जिसमें सभी विषय एक साथ दिए गए हैं। ये सारे विषय आपको उसमें मिल जाएंगे। आप मार्केट से टीएमएस की एक सामान्य अध्ययन मंजूषा लें और घटना, आप इससे कोई टॉपिक पढ़ें और घटना चक्र से आप उसी टॉपिक के प्रश्न हल करें। बस इसी प्रक्रिया को अगर आप लगातार 50 दिन अपना लें तो मैं वादा करता हूं कि जो समय आपको दिया गया है उस समय में आप निश्चित रूप से उस परीक्षा के नजदीक पहुंच सकते हैं और आराम से आप उस स्क्रीनिंग परीक्षा को पास कर सकते हैं।
दूसरी बात, करंट अफेयर्स की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स में रटलो सीरीज संस्थान की तरफ से चलाई जाती है और मैं लास्ट के 15 दिन आपको पूरे करंट के नोट्स भी दूंगा और 15 रटलो में आपको दूंगा। लास्ट के 15 दिन मैं पूरे करंट के नोट्स आप सभी को दूंगा, जिसने प्रवेश लिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं भी लिया है आप कहीं भी है, मैं पूरे करंट के नोट्स दूंगा आपको, मार्केट से किसी भी मैगजीन को लेने की जरूरत नहीं है। और पूरे करंट के नोट्स देते हुए मैं यहां पर आप लोगों को 15 रटलो भी दूंगा, जिससे आपका करंट का एक भी प्रश्न ना तो पहले बाहर हुआ है ना आगे कभी भी बाहर होगा। अगर आपके अंदर जज्बा है आप उस पर कमेंट करिए कि सर हम करना चाहते हैं, मैं पूरी जान लगा दूंगा। लास्ट के 15 दिनों में हम मैराथन भी आपको देंगे, हम आपका रिवीजन भी कराएंगे पब्लिक, और हम आपको पूरा करंट भी पढ़ाएंगे, ताकि यदि आप वास्तव में यहां से लेके वहां तक प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास में अंतिम में जो भी कमी होगी वो टारगेट ब्रिटालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी करेगा। कोई जरूरत नहीं कोचिंग करने की, आप घर बैठे भी तैयारी करिए। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, रीजनिंग और गणित की जहां तक बात है, रीजनिंग के लिए भी आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए। इसके अलावा आप मेरी किताब को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास इतना समय है, क्योंकि 700 पेज की किताब है ना। गणित के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में है, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की किताब है, आप देख लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, श्रीयात्ता पब्लिकेशन से आती है, या क्विकर मैथ की एक किताब आती है, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे आप क्विकर मैथ या डॉक्टर सुनील त्रिपाठी में से कोई एक किताब ले लीजिए, यह आपके लिए गणित के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं अगर आपको एक चीज और यहां पर क्लियर करना चाहूं, लगभग देखिए, अगर हम मार्केट में किताबों से पढ़ने जाते हैं तो 19 किताबें ऐसी हैं जो आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर करती हैं। 19 किताबें लगभग आपको लेनी पड़ेंगी जो आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर करती हैं। 19 किताबें, इन 19 किताबों में अगर हम पृष्ठों को देखें तो 1800 पृष्ठ है। अब आप 50 दिन जब आपके पास बचा है, इन 50 दिनों में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 1900 किताबों अब 50 दिन में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 19 किताबों और 1800 पृष्ठों को हल कर सके, नहीं है। तो अब सटीक रूप में आपको क्या करना है, घटना चक्र का उपयोग करना है, क्योंकि ये तो अब बात की बात हो गई, ये तो तब होता है जब आपके पास 4 महीने हो। जो लोग टारगेट ब्रिटालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ना तो घटना चक्र खरीदने की जरूरत है, क्योंकि हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स में घटना चक्र, एनसीईआरटी और पुराने प्रश्नों का समावेश किया गया है, ना आपको मार्केट से कोई किताब खरीदने की जरूरत है। आप केवल वही नोट्स पढ़ें, वही किताबें पढ़ें, आपके चयन की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन बिना कोचिंग के भी जो लोग करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। 100% सिलेबस आपको पूरा नहीं पढ़ना है 19 किताबों में। अगर आपके अंदर इतनी दूरदर्शिता है और आप ये छांट सकते हैं कि परीक्षा के हिसाब से हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, तो आप छांट के आज से ही जुट जाइए। 1 मिनट भी अगर आपने बर्बाद किया इन 50 दिनों में से, तो आप जान लीजिएगा आप लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, क्योंकि जिनको मेहनत करनी है, जिनको चैन लेना है, वो लगातार जुट गए हैं। आप उठिए और सोचना बंद करिए, क्योंकि जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं वो कभी कर नहीं पाते। ठानिए इस चीज को अपने मन में, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। अरे लक्ष्य तो बनाइए, लक्ष्य बनाइए, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, दृढ़ निश्चय करिए और 22 तारीख के दिन को हिट करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। सफलता आपसे दूर जा नहीं सकती, सफलता आपके पास होगी। यदि आपके पास इतनी दूरदर्शिता है, 100% सिलेबस में से पूरा नहीं पढ़ना है, बीओ के काम का केवल 30% है। जैसे मैं जानता हूं कि रीजनिंग में कौन से हिस्से बीओ में आएंगे, मैथ वाले सर जानते हैं कि मैथ में कौन से हिस्से जो है बीओ में आएंगे, इतिहास में हमें पता है कि हमें आपको क्या पढ़ाना है, दक्षिण भारत में से संगम साहित्य में से क्या आएगा, हम पूरा तोलकाप्पियम, मणि मैथिली, जीवक चिंतामणि नहीं पढ़ेंगे। आपको अनेकों लोग अनेकों चीजें पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं। यहां पर बिल्कुल सटीक तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जो एक आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य के हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्योंकि छोटे समय की परीक्षा है। तो अगर आपके अंदर जीवंतता और दूरदर्शिता दोनों है तो आज से आप जुट जाइए, नहीं तो अगर आपके अंदर ये नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो लोग घर बैठे तैयारी करेंगे टारगेट ब्रिटालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, और मैं उनको पूरा सपोर्ट करेंगे लास्ट के 15 दिन में। मैं आपसे वादा करता हूं किसी भी कंटेंट से कमी नहीं होगी, लेकिन 15 दिन जब लास्ट के पहुंचेंगे
35 दिन आपको स्वयं पढ़ना है, क्योंकि जाप जो पढ़ चुके होंगे हम केवल आपको माज सकते हैं। यहां पर 50 दिन आपके शेष हैं, और उन 50 दिनों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आने वाले ये 50 दिन आपके जीवन की दिशा बदलते हैं। अगर आपके अंदर ये जज्बा नहीं है या आपके अंदर इतनी दूरदर्शिता नहीं है तो 50 दिन के लिए फिर आप एक निर्णय लीजिए, बैठे मत रहिए। अब आप हमारे साथ जुड़िए उन 50 दिनों के लिए, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप जुड़ेंगे तो हम आपकी दिशा और दशा दोनों बदल लेंगे आपके जीवन की। परसों का वीडियो आपने देखा होगा जो मैंने यूपीपीसीएस के लिए बनाया है, उसमें जाके देखिए कि बीओ वाले जो बच्चे हैं, जो सदस्य हैं, जो बैच में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या कमेंट किए हैं। उन कमेंट से आप ये तय कर सकते हैं कि आप कई चीजों से बहुत दूर जा रहे हैं। उन कमेंट से आप ये तय कर देंगे कि प्रतिदिन जो 8 घंटे की क्लासें, जो नोट्स हम उनको दे रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है और वो कितने संतुष्ट और हमारे समर्पण को लेके कितने आश्वस्त है, वो उसके कमेंट्स में दिख रहा है, उनके कमेंट्स में दिख रहा है, वो सकारात्मकता वहां झलक रही है। 15 दिन 10 दिन वो लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से भी अगर आप आते हैं तो भी 50 दिन में मैं वादा करता हूं कि हम लोग आपको लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचा देंगे। ये अंतिम समय है, ये अंतिम बार है, आप अगर निर्णय ले सकते हैं तो ले लीजिए, और अगर नहीं ले सकते हैं तो स्वयं से तैयारी करिए। टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरे समर्पण से आपके साथ है। ये हमारा व्हाट्सएप एंट्री नंबर है, एंट्री बीओ लिखकर भेजेंगे तो आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया अभी भी खुली हुई है, लगातार खुली हुई है, आप आइए प्रवेश लीजिए। हाँ, अतिरिक्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 35 से 40 क्लासेज आपकी निकल चुकी हैं, वो कक्षाएं आपको मिल जाएगी। तो समय अब बहुत कम है, समय अब बहुत कम है, शायद उतना ही समय है जितना समय अनिवार्य है और आवश्यक है। इससे कम समय एक भी दिन हुआ तो आप इस प्रक्रिया से बहुत दूर हो जाएंगे। तो मेरे भाई, अब उठो, जागो और जुट जाओ, क्योंकि सफलता मौके बार बार नहीं आते। मैंने आपको बताया जो सदस्य घर में है, मैंने उनको बताया कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, मैंने आपको ये बताया है कि कितने प्रश्न विषयवार आएंगे, मैंने आपको ये भी बताया है कि कहां से आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत समय है नहीं, कौन सी आपकी की किताबें और नोट्स होंगी। और फिर मैंने आपको ये बताया कि देखिए 100% सिलेबस में से जो 30% पढ़ना है, या तो आप टारगेट बतालो टीम के साथ ये तय कर लीजिए, या आप अपनी दूरदर्शिता के अनुसार ये तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और फिर मैंने ये भी बताया कि अगर अभी भी आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं। अगर आपके अंदर जज्बा है और आपको करना है तो आप कमेंट करिए, जितने लोगों के कमेंट आएंगे मैं उनके लिए अपना जी जान लगा दूंगा लास्ट के 15 दिनों में, मैं वादा करता हूं। लेकिन जज्बे को जगाइए और लिखिए कि सर हम आज से तैयार हैं, हम करने चल रहे हैं, क्योंकि आपको करना है। आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जो बीएड किया है, ये बीएड 3 साल बाद खराब हो जाएगा। अगर इस बीएड को किए हो तो आओ इसका उपयोग करो, और आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर सटीक रणनीति को अपनाओगे तो एग्जाम को पार किया जा सकता है, एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त कर सकता है। उठो, किसी व्यक्ति ने पेपर बनाया है तो कोई व्यक्ति ही उस पेपर को हल करेगा। तो उठिए, आइए, जुटिए, कमेंट करिए। अगर जज्बा होगा प्रतिदिन आपके लिए आऊंगा और आपको नई नई बातें बताऊंगा, और निश्चित रूप से सफलता के द्वार तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी तो आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।